डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक ऑफर एंड प्रॉस्पेक्टस पार्ट टू। और आज हम ये जानेंगे कि प्रॉस्पेक्टस क्या है। प्रॉस्पेक्टस को फॉर्मली डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रॉस्पेक्टस बनाने की जो स्टेज है वो काफ़ी बाद में आती है। उसके पहले जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनको ये पता लगाना होता है कि उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। और जो कंपनी बनने वाली है या कंपनी जो प्री एग्जिस्टेड है, उसके जो ऑपरेशंस हैं उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो सकती है, और जो ऑपरेशंस हैं उनके अलावा कंपनी जिस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रही है उसकी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या क्या हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स ये बताती है कि पर्टिकुलर कंपनी की कैपिटल किस तरह से डिवाइडेड होनी चाहिए, और वो जो कैपिटल है उसमें शेयर कैपिटल और डेट इनका कितना कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली नहीं बताते, लेकिन इससे जुड़े हुए कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स हैं कि इतनी शेयर कैपिटल का इतना हिस्सा फ्लोटेड होना चाहिए, इतना ऑथराइज होना चाहिए, और डेट का पार्ट किस हिसाब से डिवाइडेड होना चाहिए। उसके बाद कंपनी अपनी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिपेंड होकर ये पता लगाती है कि उसको कितना लोन मिल सकता है। जहाँ तक इंडियन फ्रेमवर्क की बात है, अनसिक्योर्ड लोन की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कंपनी लोन लेगी तो उसके एवज में उसको कोई ना कोई कोलेटरल रखना होगा, तभी वो सिक्योर्ड लोन बन पाएंगे। और जहाँ तक शेयर कैपिटल की बात है, तो शेयर कैपिटल में अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि बोनस शेयर्स है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, और राइट शेयर्स हैं, वारंट्स हैं। इन सभी कैटेगरी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद बीच में थोड़ा सा रोल मर्चेंट बैंकर्स का आता है। मर्चेंट बैंकर्स कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाकर ये तय करेंगे कि यदि कोई रिटेल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितनी रिस्क उठानी पड़ सकती है। ये तो रिस्क की बात आई, और वो ये भी बताएंगे कि जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ होंगी उनकी प्राइसिंग किस हिसाब से की जाएगी। ये सब चीज़ें पहले डिस्कस होंगी। किसी किसी चीज़ के लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस भी लिए जाएंगे, तब जाकर कहीं प्रॉस्पेक्टस इश्यू होने का क्वेश्चन आएगा। और इश्यू तो तब होगा जब प्रॉस्पेक्टस बनेगा। तो प्रॉस्पेक्टस बनने के लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं, और ऐसा देखा गया है कि कई कंपनीज जो फ्रॉडुलेंट नेचर की होती हैं, वो कंपनीज़ प्रॉस्पेक्टस में कुछ इस तरह के एम्बिगस स्टेटमेंट्स लिखती हैं जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं खास करके, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंपनीज़ एक्ट में ये व्यवस्था है कि कंपनीज़ को अपने प्रॉस्पेक्टस में किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट नेचर का स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कोई एम्बिगस
या वेग स्टेटमेंट नहीं लिखना है जिससे कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। अब हम बात करते हैं प्रॉस्पेक्टस की। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई ऑफर डॉक्यूमेंट जिसको पढ़कर इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के ऑपरेशंस की जानकारी मिले और वो उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को खरीद ले। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ जिसमें जो कंपनी है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को लिखकर ये बताती है कि वो फ्यूचर में ये काम करेंगे और इसके लिए उन्हें फंड्स की ज़रूरत है और उन फंड्स को वो पब्लिक से लेंगे। अगर हम सिंपली कहें तो ये कोई नोटिस हो सकता है, कोई सर्कुलर हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट हो सकता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन को इनवाइट करे जनरल पब्लिक से ओपन मार्केट में। तो ये एक हमारे लिए डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक से सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट कर सकती है। अब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं। जाहिर सी बात है ये एक डॉक्यूमेंट है, एक पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है। ये रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो सकता है, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और जो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस है वो अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि वास्तव में ये प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स हैं जो अपने नेचर में वेरी करते हैं, इनका नेचर अलग अलग होता है। और ये जो प्रॉस्पेक्टस है, डॉक्यूमेंट है, ऑफर है, ये पब्लिक को इशू किया जाता है ताकि पब्लिक सारी जानकारी ले और सारी जानकारी के आधार पर वो कंपनी में इन्वेस्ट करें। ये पब्लिक कंपनीज़ के द्वारा ही इशू किया जा सकता है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ में सिक्योरिटीज़ के लिए या कह लीजिए कि कैपिटल को जनरेट करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट की व्यवस्था होती है। ये पब्लिक कंपनी पब्लिक को इशू करती है ताकि वो सब्सक्रिप्शन ले सकें। ये जो प्रॉस्पेक्टस है, डॉक्यूमेंट है जो इन रिटर्न होना चाहिए, गर्भित नहीं हो सकता और मौखिक भी नहीं हो सकता है। इन राइटिंग में मींस कि जो भी ऑपरेशंस हैं उनके, जो भी फाइनेंशियल्स हैं, जो भी पोजीशन है, कंपनी किस प्रकार से काम करती है, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, ये सारी जानकारी जो है वो इस प्रॉस्पेक्टस में लिखी जाती है। जो भी प्रावधान कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं उनके अनुसार ही प्रोविजंस के जो कंटेन हैं वो उसमें लिखे जाते हैं। जो प्रॉस्पेक्टस है वो जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं या जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा साइन होना चाहिए और कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं उनके साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना रजिस्टर्ड प्रॉस्पेक्टस के वो लीगल नहीं माना जाएगा, वो फिर प्रॉस्पेक्टस नहीं हो सकता। अब एक इम्पॉर्टेंट इशू आता है और वो इशू है कि अगर ऐसी कोई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जो उसके सिक्योरिटीज़ हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही फ्लोट की जाएंगी। और या कोई ऐसी कंपनी है, नई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होना चाहती है तो कंपनीज एक्ट के अलावा यहाँ पर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो प्रोविजंस हैं
वो भी लागू होंगे, उनको सेबी के जो प्रोविजंस हैं उनको भी फुलफिल करना होगा। तो ये प्रॉस्पेक्टस का प्रिलिमिनरी था। प्रॉस्पेक्टस के जो कंटेंट्स हैं उनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और जो टाइप्स हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।